Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput for Fear Adventure. Good morning from New Delhi. So, एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग. और आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, वैसे तो आप टाइटल देख के समझ चुके होंगे, हमारे रेगुलर ब्लॉग से थोड़ा सा अलग आज का ब्लॉग होने वाला है. क्योंकि यूजुअली मैं ब्लॉग करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जर्नी के ब्लॉग, जैसे कि बस जर्नीस के, ट्रेन जर्नीस के, फ्लाइट जर्नीस के. लेकिन आज का जो दिन है ना, वो दिन खास है क्योंकि आज है दशहरा. तो व्लॉग भी थोड़ा सा यूनिक होगा आज. तो सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. और क्योंकि जैसा कि आप टाइटल देख के ऑलरेडी समझ चुके हो कि आज का व्लॉग दशहरा का रहने वाला है, तो आपको बता दूं कि अपना जो एरिया है ना करमपुरा न्यू मोती नगर का, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट रावण इसी एरिया में बनाया जाता है. ये नहीं कह रहा कि भाई सबसे बेस्ट नहीं बनाए जाते, हो सकता है कि भाई कहीं और भी अच्छे रावण लगते हो, लेकिन जो क्रेज यहाँ पे लोगों में है ना रावण बनाने का, भाई साहब उसको तो कोई टक्कर नहीं दे सकता. क्योंकि पिछले कई साल से मैं दशहरा का व्लॉग बना रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई इस एरिया में जो रावण बनते हैं ना, अलग अलग क्रिएटिविटी के रावण बनते हैं, और जिस जोश से लोग दशहरा को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ना, भाई साहब उसके क्या ही कहने. हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में रावण के पुतले आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्रिएटिविटी वाले रावण के पुतले यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. तो साल दर साल क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, और रावण के पुतले बनाने की जो टेक्निक है, जो तरीके हैं, या फिर जो उनकी खूबसूरती है, वो भी बढ़ती जाती है. तो आज पूरा ब्लॉग दशहरा का रहने वाला है, और अपने एरिया में यानी करमपुरा न्यू मोतीनगर में जितने भी रावण के पुतले हैं वो आपको दिखा सकूं. तो जैसा आपको बता रहा था कि भाई करमपुरा और न्यू मोतीनगर की बात हो और यहाँ के क्रिएटिव रावण की बात ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता. तो मैं अभी आ गया हूँ रावण देखने के लिए, और हमें ज्वाइन कर लिया हमारे खास मित्र मिस्टर दिवेश ने. कैसे हो भाई? तबीयत वगैरह ओके? जैकेट वैकेट पहन रखी है अभी से? तो भाई अभी मैं आ गया हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट रावण को देखने के लिए. और पिछले साल आई थिंक कोरोना से पहले बनाया था, शायद कोरोना से पहले उन्होंने मुंह घूमने वाला रावण बनाया था, और इतना जबरदस्त रावण बनाया था, मतलब यार लाजवाब. और इस साल तो भाई इन्होंने एक स्टेप और ऊपर ले लिया, क्योंकि इन्होंने जो रावण बनाया ना, आप खुद ही देखो, ये देखो रावण देख रहे हो, इसका जो सर है ना वो भी रिवॉल्व करेगा, और ऐसा बता रहे हैं कि ये आगे भी आएगा ऐसे करके. इसमें ना कुछ तो हाइड्रोलिक सिस्टम इन्होंने अरेंज कर रखा है, पूरी मशीन लगा रखी है, मोटर लगा रखी है, सर भी रिवॉल्व होगा, आगे भी आएगा, और मुंह से ना इसके धुआं भी निकलेगा. तो अभी पूरा स्टार्ट नहीं है, जब स्टार्ट होगा आपको दिखाऊंगा. लेकिन रावण यार क्या कलाकारी है भाई, भाई बहुत पैसा खर्च करते हैं करमपुरा न्यू मोतीनगर के लोगों में. भाई क्रिएटिविटी तो यार दबा दबा के भरी हुई है, ये तो मानना पड़ेगा. देखो मुंह घूमना भी स्टार्ट हो गया उसका, है ना, मुंह घूम रहा है. तो देख लो एक और रावण इधर खड़ा, और ऐसा करमपुरे में आपको देखने को मिलता है. देख रहे हो घर कितने नजदीक नजदीक है, और उसके बीचों बीच कम से कम मेरे ख्याल से भी ना करते करते यार 40 फुट का रावण तो होगा सामने, है ना, 40 फुट का रावण है. और रावण की अगर बात हो रही है और राम जी की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता. देखो आपको ना ये फ्लैक्स नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, सब पे जय श्री राम के नारे लगे हैं. तो देखो रावण की हाइट का आइडिया शायद आपको कैमरे में जस्टिफाई ना हो पाए, इसलिए हमने दीपेश भाई को रावण के नीचे खड़ा कर दिया. देख रहे हो उसके पूरे पैर के बराबर भी दिपेश भाई अभी नहीं लग रहे. तो देखो रावण के पुतले देखने में जितने अच्छे लगते हैं ना भाई, उतना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है उसको खड़ा करने का. कुछ लोग हाथ से खड़ा करते हैं, कुछ लोग क्रेन से उसको खड़ा करते हैं. हमने भी एक खुद का रावण का पुतला बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसको हमने हाथ से खींच के खड़ा कर दिया था, और आसानी से खड़ा भी हो गया था. आगे अभी आप व्लॉग में बने रहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. बाकी देखो यार रावण बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, काफी मेहनत लगती है, काफी दिनों की मेहनत लगती है, और उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है रावण को खड़ा करने में. और रावण खड़ा हो तो ऐसा नहीं है कि सारे रावण सक्सेसफुली अच्छे से खड़े हो जाते हैं, कुछ रावण ऐसे भी होते हैं कि भाई जो गिर जाते हैं. हालांकि क्रेन वगैरह भी यूज करने लगे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रेजेडी कभी कभी हो जाती है. हमारे सामने एक रावण खड़ा है जो मतलब पूरा उस ट्रेजेडी का शिकार हो गया, बीच बीच में से काफी जगह से ना फट भी गया. थोड़ा सा बड़ा भी बनाया, अच्छा भी बनाया, अगर अच्छे से खड़ा होता तो और शानदार लगता है ना. लेकिन हाँ एक चीज है भाई, रावण जरूर थोड़ा सा टूट फूट गया है, लेकिन खास बात एक है, हर साल यहाँ पे भंडारा होता है भाई. अगर आपने नोटिस करा होगा कि जहाँ पे रावण खड़ा होता है ना, न्यू मोतीनगर के लोकेशन है, और देखो ये टेंट वेंट लगे हैं. तो हर साल रावण के साथ साथ ना ये भंडारा भी करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है यार. गरीब लोग भी यहाँ पे खाते हैं, तो यार बहुत बढ़िया काम करते हैं यार ये लोग. और बाकी देख लो भाई, छोटा सा रावण का पुतला लेकिन काफी खूबसूरत है, लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि भाई रावण जरूर छोटा सा लेकिन काफी खूबसूरत है. बाकी भाई ये रावण चेकआउट करो, जितनी फिनिशिंग से बनाया ना उतनी फिनिशिंग से खड़ा भी हुआ है. क्या बोलते हो भाई, है ना, फिनिशिंग से बनाया है, फिनिशिंग से खड़ा नहीं कर रहा है. तलवार बहुत जबरदस्त लग रही है भाई, ये देखो, देख रहे हो तलवार सामने भाई कितनी जबरदस्त बनाई है, बड़ा रावण उसका आदि आई थी, ये चेक करो भाई. तो भाई थोड़ी आगे हम बढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ये रावण अच्छा है, लेकिन जैसे ही और आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर लगता है कि यार ये तो और अच्छा है.
तो क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और अच्छे अच्छे रावण देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम उस रावण के सामने पहुंच गए हैं जो हर साल फिनिशिंग से बहुत सुंदर रावण बनाते हैं, और इस साल भी उन्होंने बहुत सुंदर रावण बनाया। क्या बोलते हो भाई? बहुत अच्छा बनाया, बहुत शानदार बनाया। अब आप ही देखो और आप ही कमेंट में बताओ कि भाई ये रावण आपको कैसा लग रहा है। भाई हमें तो बहुत शानदार लगा, और हर साल ये इसी तरीके से रावण बनाते हैं और इतना ही खूबसूरत रावण बनाते हैं। तो भाई हमें जो जो रावण का पुतला सबसे बढ़िया लग रहा है हम आपको बता ही दे रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना कि भाई सबसे बढ़िया रावण का पुतला आपको कौन सा लगा, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो भाई रावण के पुतलों की भाई भरमार है, तो सबसे बेस्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतने सुंदर सुंदर रावण लोगों ने बना रखे हैं। तो आप कमेंट करके बताओ कि भाई सबसे बेस्ट रावण और सबसे सुंदर रावण कौन सा है। तो देखो अभी हम एक पार्क में आ गए और यहाँ पे एक रावण खड़ा है, धोती वाला रावण है, रावण काफी अच्छा है, लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आई, आपको समझ आया भाई कुछ? नहीं भाई, केकड़ा बता रहे हैं लोग। अच्छा, केकड़ा बता रहे हैं। हाँ तो मकड़ी अच्छा, कोई मकड़ी बता रहा है, कोई केकड़ा बता रहा है, लेकिन मेन बात है कि इसके जो सर है ना, इसमें भी मोटर लगी है ना, तो ये भी घूमेगा अभी, हालांकि बिजली का कनेक्शन नहीं है तो इस वजह से घूम नहीं रहा है, बट ये भी इसका जो सर है ना, जो इंसेक्ट है इसका जो सर है, ये भी रिवॉल्व करेगा। और आप देख ही रहे हो भाई कि करमपुरा न्यू मोती नगर में रावण के पुतले बनाने का कितना क्रेज है, बड़ों को छोड़ के ना बच्चों में भी बहुत ज्यादा क्रेज है। देख रहे हो भाई, ये छोटे छोटे बच्चों ने रावण बना रखा है, ये देखो। और बाकी ये वाला रावण देख लो भाई, इसके तो हाथ ही चार चार बना दिए और चारों हाथों में अलग अलग शस्त्र भी पकड़ा दिए हैं। भाई अभी क्या क्या देखना बाकी रह गया वो तो हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज है भाई, रिस्की तो है भाई, हम बचपन से इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने रावण के पुतले लगते हैं, अच्छा लगता है, बड़ा त्यौहार होता है यहाँ का, क्रेज होता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है भाई, क्योंकि देख रहे हो रावण जिस हिसाब से मतलब घरों के पास रहते हैं ना, थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। अब आप देखो बैक टू बैक कितने रावण है यहाँ पे, 1, 2, 3, उसके पीछे 4, 5, 6, पास पास में 6 रावण लगे हैं, और घर भी देखो यहाँ पे साथ में है, मेन रोड भी है, और वो भी मेन रोड पे, देख रहे हो गाड़ियां भी बिल्कुल पास पास से निकल रही है, इवन रश भी हो गया, ट्रैफिक भी हो गया है, तो थोड़ा बहुत रिस्की तो रहता है। और बाकी देखो क्या क्या देखना बाकी रह गया, इसलिए बोला था अभी आपको 6 हाथ वाला रावण दिखा दिया, यहाँ पे देखो भाई साहब 8 हाथ वाला भी रावण देख देखो आपको मिल जाएगा। और देखो अभी आपको बता रहा था ना कि साथ साथ में काफी सारे रावण खड़े हुए हैं, 6-6 रावण एक साथ खड़े हुए थे, तो देखो यहाँ पे भी कई सारे रावण खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने स्पेस बहुत कम घेरा हुआ है भाई साहब, खुद ही देख लो, ये देखो, देख रहे हो 1, 2, 3, 4 और ये 5 रावण एक साथ, लेकिन कॉम्पैक्ट स्पेस में। हाँ जी दोस्तों, ये रावण सारे छोटे छोटे आपने बनाए हैं? अच्छा, तो देख लो भाई कितने कॉम्पैक्ट स्पेस में रावण इन्होंने खड़े कर दिए छोटे छोटे से। हाँ जी भाई, अच्छा सारे ब्लॉगर हैं यहाँ पे भाई। और क्रेज देखो भाई लोगों का, देख रहे हो भाई कैसे फोटो वोटो ले रहे हैं और खुद भी रावणों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो क्रेज तो भाई यहाँ पे जबरदस्त रहता है दशहरे के टाइम। और देख लो जी, एक कमी और रह गई थी जिम करते हुए रावण की, तो देख रहे हो डंबल भी हाथ में मौजूद है रावण के। लेकिन दीपेश भाई एक चीज है भाई, भंडारे भंडारे बहुत होते हैं दशहरे में, है ना अपने यहाँ पे? हाँ ये दान बहुत अच्छा करते हैं। हाँ तो देख रहे हो भाई, ये भी पुण्य का काम है, देख रहे हो काफी लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, और इवन एक जगह पे नहीं, कई जगह आपको दशहरे पे करमपुरा में और मोती नगर में ना, न्यू मोती नगर में ऐसा भंडारा देखने को मिल जाता है। भाई रावण बनाने से भी ज्यादा जो मेन काम है ना, वो है रावण को ठीक ठाक तरीके से खड़ा करना, रावण ये भी काफी अच्छा है, लेकिन फट गया है ना, बहुत ऊंचा बनाया ना रावण, काफी बड़ा रावण बना दिया है, और छाती मुझे लगता है कि अकेली छाती चेस्ट जो है करीबन 20 से 30 फुट की, 20 से 25 फुट की, तो ऊपर वाला पार्ट बहुत हैवी है और काफी बड़ा है, काफी बड़ा रावण बनाया भाई। तो देख लो भाई, अभी हम पहुंच गए हैं उस रावण के सामने जिसको हमने खुद से मेहनत करके करीबन 7 से 8 दिन में बनाया, और देख लो भाई क्या शानदार लग रहा है, अपना है तो शानदार तो लगना ही है, लेकिन ठीक है रावण अच्छा बना है। हाँ भाई कैसा लग रहा है रावण? ठीक बना है? बढ़िया बढ़िया। हाँ तो करीबन 7-8 दिन से मेहनत कर रहे थे, बाकी लड़के गायब है, अभी काफी सारे लोगों ने मेहनत करी है, 8 से 10 लोगों ने मेहनत करी है, खड़ा करवाया काफी सारे लोगों ने मिलके, तो भाई अच्छे से खड़ा हो गया और ठीक ठाक बना है, बाकी चेस्ट वेस्ट देखो यार काफी जबरदस्त लग रही है, और काफी मेहनत भी लगी इसको बनाने में, करीबन 7 से 8 दिन की पूरी मेहनत लगी, पूरा बांस का पुतला तैयार करा, फिर उसके ऊपर पेंट करा, छत से उतारा, और छत से उतारने में ना इसको नीचे तक भाई साहब हालत खराब हो गई थी यार, तो इसको नीचे उतारा, फाइनल टचअप दिया, एक रात पहले तो सारे के सारे लोग जागते ही रहे थे क्योंकि काफी सारे काम पेंडिंग थे, बल्ली भी लेके आनी थी, बल्ली जिस पे रावण को खड़ा करते हैं, तो 3 लोग भाई बाइक पे अपने कंधे पे बल्ली को सहारा लगा के पूरा ले गया, तो वो भी हैट्स ऑफ है, फिर रात को गड्ढा खोदा रावण खड़ा करने गया, सो दशहरे से पहले की रात तो भाई सारे के सारे जागते ही रहे, पूरी रात काली हो गई, और फिर सुबह सुबह असली जगदोजहद शुरू हुई क्योंकि रावण खड़ा करना था, बल्ली से रावण को बांधना था और रावण को अच्छे से खड़ा करना था, तो वो असली जगदोजहद थी, लेकिन ठीक है अच्छे से रावण खड़ा हो गया, तो फिर भाई बढ़िया है सब कुछ। और इसी लाइन में ना
कम से कम आपको 6 से 7 रावण देखने को मिल जाएंगे। ये देखो एक छोटा रावण यहाँ मौजूद है, उसके अलावा एक रावण देखो वो मौजूद है, अपना रावण है, उसके पीछे भी बैक टू बैक ना 3-4 रावण आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखो अपने रावण के पीछे ना एक ये रावण भी मौजूद है, दाढ़ी काफी अच्छी बना रखी है इसकी, पूरी कॉटन से बनाई है देख रहे हो दाढ़ी। और देखो हमारे रावण के पुतले के पीछे दाढ़ी वाला रावण और उसके पीछे बैक टू बैक 1, 2, 3, 4 रावण है, और हो सकता है शायद एक पीछे भी खड़ा है ना, हाँ उसके पीछे भी एक रावण खड़ा है और छोटे मोटे भी हो सकते हो, देख रहे हो इस लाइन में तो भाई छोटे बड़े काफी सारे रावण खड़े हुए हैं। भाई एक जमाना था जहाँ भी हम खड़े ना वहाँ करमपुरे का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट रावण बनता था, लेकिन जमाने बीते लोगों ने और क्रिएटिविटी दिखाई तो यहाँ की क्रिएटिविटी थोड़ी सी फीकी पड़ गई, लेकिन एक हॉटस्पॉट रहता था पहले यहाँ पे भाई, वो क्रेज अलग था, मतलब यहीं से स्टार्टिंग हुई है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। और करमपुरे में ना आई थिंक सबसे पहले जो रावण था ना वो यहीं रखना स्टार्ट हुआ था, हमारे घर की जस्ट बैक साइड वाली लोकेशन है। अभी भी जो रावण बनाया ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं बनाया, अभी भी रावण काफी अच्छा बनाया, हाँ लेकिन उस जमाने में जो रावण बनता था जब छोटे छोटे थे तो भाई बहुत शानदार रावण, काफी ऊंचा ही बनाते थे। ये वाला रावण देख लो, तपस्या में पूरा लीन लग रहा है, लेकिन आसन मार के बैठा तो है, लेकिन इसका ना आसन बनाना भूल गए हैं, सिंहासन वगैरह या फिर जो भी बन सकता था बनाना कुछ भूल गए ऐसा लग रहा है। लेकिन ये देखो यार सब्जी मंडी लगी हुई है, और सब्जी मंडी इधर लगी हुई है और बिल्कुल बीचों बीच, देख रहे हो कितना कंजेशन में भी इतना बड़ा रावण खड़ा कर रखा है, तो भाई ये टैलेंट जो है सिर्फ करमपुरा के लोगों में है, कहीं भी रावण खड़ा कर देते हैं, कहीं भी रावण खड़ा कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है जो भी बनाया अपने हिसाब से बढ़िया है। भाई ये वाला रावण चेकआउट करो भाई, एक रावण मैंने आपको दिखाया था ना जिसके साथ में मकड़ी खड़ी थी, लेकिन ये तो मकड़ी के ऊपर ही बैठा हुआ है, मकड़ी है केकड़ा है क्या है वो पता नहीं, लेकिन देखो भाई जो भी इंसेक्ट है उसके ऊपर बिठाया हुआ है, तो कलाकारी देख रहे हो भाई अलग ही लेवल की है भाई साहब। तो देख लो भाई सामने एक रावण खड़ा हुआ है यहाँ पे, और खूबसूरती देखो भाई कितनी बारीकी से बनाया, कितना खूबसूरत बनाया, और इवन ना इस रावण के पैर भी बनाए, देखो लोग अभी काफी आगे से खड़े हो गए, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको भाई, स्किल देखो यार बनाने वालों की, देख रहे हो पूरे पैर भी देख रहे हो कितनी बारीकी से बनाया और कितने शानदार बनाए। तो भाई लोग खड़े हैं अपने, इन्होंने मिलकर रावण बनाया, कैसे हो भाई, बढ़िया कैसे हो, कितना रोकड़ा लग गया इस रावण को बनाने में, 15-20। अच्छा लेकिन लेकिन इस रावण को पैसों के हिसाब से मत देखो, इसको देखो भाइयों की स्किल के हिसाब से यार, क्रिएटिविटी के हिसाब से देख रहे हो, मेहनत बोलती है भाई। अच्छा नरकासुर से कुछ मैच करता है ना, जैसे गोवा में नरकासुर बनता है थोड़ा थोड़ा उससे मैच करता है। आपने पकड़ लिया क्या हमें? हाँ पकड़ लिया मैंने, देखिए अच्छा बनाया भाई, बहुत शानदार बनाया, चलो ठीक है भाई ओके। तो भाई अभी मैडम के साथ दशहरा देखने के लिए आ गया था, और दशहरा देखते देखते क्या भूख लग गई, तो पेट का काम 25 करना जरूरी होता है, तो नया रेस्टोरेंट हमारे यहाँ पे खुला था तो वहीं खाना खाने जैसे हम आ गए थे। तो देख लो भाई ये है कुछ रेस्टोरेंट, रॉयल बलूची के नाम से रेस्टोरेंट है ये रहा भाई मेनू, क्योंकि पता है भाई अपना व्लॉग हो और व्लॉग में खाना भी ना हो तो भाई ऐसा हो नहीं सकता। अमृतसरी कुलचा थाली हमने लगवा दिया, ये देखो थाली अपनी आ चुकी है, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है, और खाना खा के दोबारा से दशहरा देखने चलेंगे और दिखाएंगे भाई रात में जो चकाचौंध होती है दशहरे की तो वो कैसी होती है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। हाँ जी खाना कैसा लगा फिर? अच्छा है। तो देख लो भाई खाना तो देखने में टेस्टी लग रहा है, मैडम ने बता दिया कि अच्छा था भाई, फिर तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा ही होगा। चलिए खाना वाना खाते हैं, और तो भैया मौजूद हैं भाई हमारे साथ, क्या हाल है भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा आप रेस्टोरेंट में वर्क करते हैं, यहाँ पे कितना टाइम हो गया इसको ओपन हुए? भाई कैसा लग रहा है? देख रहे हो भाई साहब इस रावण ने ना पूरी अट्रैक्शन भाई अपनी तरह मोड़ लिया, देख रहे हो भाई साहब अलग ही लुक आ रही है, मतलब सर भी रिवॉल्व कर रहा है, ये आगे भी आ रहा है और ऊपर से ना मुंह में से धुआं भी आ रहा है भाई साहब, देख रहे हो भीड़ देखो।
तो भाई दशहरा देख के अभी आ चुका हूँ, कोशिश मैंने करी कि सारे रावण के पुतले आपको दिखा सकूँ, सबका दहन दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है। और लोग ना एक तरीके से होड़ करते हैं कि भाई हम अपना रावण देरी से जलाएं, हम अपना रावण देरी से जलाएं, तो कंपटीशन होता है, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने ना काफ़ी देरी से अपना रावण जलाया। हमने अपना रावण का पुतला जल्दी से दहन कर दिया था ताकि बाकी रावण के पुतले भी देख सकें, लेकिन ऑलरेडी 11 बज चुके हैं और कई सारे रावण के पुतले अभी भी नहीं जले थे, तो मैं तो भाई घर आ गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर की नींद भी आ रही, क्योंकि कल भी पूरी रात हम जागे अपने रावण के पुतले की तैयारी करनी थी, उसको खड़े करने की तैयारी करनी थी, तो अभी जो नींद है ना भाई बहुत जोरों शोरों से आ रही है। तो जितना हो सकता था मैंने अपनी एंड से दशहरे का महोत्सव आपको दिखाने की कोशिश कर दी है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और पता ही खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। ये कैसे हुआ?